नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 फरवरी 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और इस दिन श्रवण नाम का नक्षत्र भी रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इन योग की बात करें तो वरियान नाम का योग रात्रि के प्रातः काल 3:32 तक रहेगा, उसके उपरांत इस दिन परिग नाम का योग प्रारंभ होगा। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 2:05 से लेकर शाम के 3:29 तक। ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और दोस्तों, इस दिन चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार करेंगे। झूठ बेवजह दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। सब खामोश है यहाँ, कोई आवाज नहीं करता। सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। आईना भला कब किसी को सच बता पाया है, जब भी देखो दायां तो बायां ही नजर आया है। दोस्तों, हर शख्स दोहराता है ये जुमला हर रोज की, मुझे झूठ से नफरत है। मैं परेशान हूँ ये सोचकर कि आखिर झूठ बोलता कौन है। दोस्तों, 3 चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति से राय रखिए। दोस्तों, कश्तियां गलतफहमियों की झूठ के समंदर में कब तक बेखौफ चलेगी, डूब जाएगी खुद ब खुद ही जिस वक्त हुआ। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में विद्यार्थी तथा युवाओं को अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर लेने से बहुत अधिक खुशी और सुकून की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अपने रुचि पूर्ण कार्यों तथा जो है ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़ने में जो दिन सुखद व्यतीत होगा, किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का आशीर्वाद व फिर मार्गदर्शन भी यश में आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों, यश में आपका पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो जाने से कुछ लोगों के बीच आपकी आलोचना हो सकती है। कोई आर्थिक जो विषमता यश में आपके सामने आएंगी, इसलिए दोस्तों यश में किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर ले, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में परिवार से संबंधित कोई बात आपको अचानक से पता चल सकती है जिसका प्रभाव आप पर नकारात्मक तरीके से होगा। करीबी रिश्तेदार द्वारा आपका आर्थिक फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए दोस्तों यश में अपनी क्षमता से अधिक पेशे का मदद करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण रवैया रखें, ये आपके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक साबित होंगे। दोस्तों, घर की कई समस्याओं को निपटाने के लिए विशेष रूप से आप प्रयासरत रहेंगे और दोस्तों यश में आप सफल भी होंगे। बच्चों को भी पूरी तरह से अनुशासित करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और दोस्तों बच्चे भी यह समय अनुशासित होकर अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे। दोस्तों, यश में इसके उपरांत यह समय सामाजिक व फिर राजनीतिक कार्यों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें दोस्तों, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा। दोस्तों, उधार दिया हुआ पैसा यश में वापस मिलने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। हर विषय में दूसरों की राय लेना आपको कमजोर बना रही है और दोस्तों आपकी निर्णय क्षमता पर भी इसका असर दिख रहा है, इसलिए दोस्तों किसी पर एक बात को तय करके उसी बात पर कायम रहना आपका आत्मविश्वास फिर से वापस ला सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों इस राशि के लोग आत्मबली और स्वाभिमानी होते हैं। आप जो है कर्म और पुरुषार्थ के माध्यम से कई उपलब्धि यश में हासिल करने में सक्षम रहेंगे। संतान के विद्या अध्ययन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से बहुत ही अधिक सुकून और राहत मिलेगी। दोस्तों, अनुभवी व फिर जिम्मेदारी लोगों का मार्गदर्शन भी यश में आपको प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, यश में कभी कभी ज़्यादा जिद रखने या फिर किसी बात पर अड़ जाने से आपके साथ जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ से निकल सकती है, इसलिए दोस्तों अपने व्यवहार में लचीलापन रखें, ये आपके लिए आवश्यक होगा।
दोस्तों विपरीत परिस्थिति में विचलित होने की अपेक्षा उनका समाधान निकालने की कोशिश करें और उनमें आप सफल रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो दिन होंगे, हर बात का आनंद किस तरह से उठाया जा सकता है, यह बात आप जो है खुद का उदाहरण रख कर दूसरों को सिखा पाएंगे। यश में आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उत्पन्न सोच आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। दोस्तों लोग सहज ही आपके व्यक्तित्व से प्रभावित रहेंगे। दोस्तों आपको अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को यश में मिलेगा। किसी नजदीकी मित्र से मुलाकात सुखद रहेगी। साथी दोस्तों कभी कभी स्वभाव में उदासीनता तथा आलस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पैसे आने से पहले ही जाने का रास्ता तैयार रहेगा, इसलिए दोस्तों फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों विद्यार्थियों को भी अपनी आशा व फिर मेहनत के विपरीत परिणाम मिलने से कुछ उदासी रहेगी, परंतु दोस्तों यश में संयम बनाकर रखें और आगे कार्य करते रहें। दोस्तों यश में अपनी योजनाओं को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयत्न करने की जरूरत होगी। छोटे भाई या फिर बहनों के साथ विवाद बढ़ सकता है। दूसरों को अपने विचार बताते समय उनके विचारों का भी आप ख्याल रखें। दोस्तों आपको यश में अपने जीत पर नहीं अड़ना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में अभी किसी भी प्रकार का नया निवेश ना करें। यश में किसी भी नई योजना को क्रियान्वित करने का समय नहीं होगा। दोस्तों पहले बहुत अधिक जांच पड़ताल कर लें और उचित समय का आप इंतजार करें। नौकरी में आपको जो टारगेट है यश में पूरा हो सकता है, परंतु दोस्तों इनसे आप परेशान भी होंगे लेकिन सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों आप उसमें सक्षम रहेंगे। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत आपके करियर के लिए जो समय होंगे, करियर तथा आजीविका में काफी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की भी आप सलाह अवश्य लें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ परेशानियां सामने आ सकती है। दोस्तों आपके भरकश प्रयास व फिर परिश्रम द्वारा आंशिक रूप से आपको सफलता भी मिलेगी, इसलिए दोस्तों यश में धैर्य और संयम बनाकर रखें तथा जैसा चल रहा है उसी पर आप ध्यान को केंद्रित करें। दोस्तों ऑफिस का माहौल यश में शांतिपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने व्यक्तिगत दायरे से निकलकर रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयास करें, यह भी आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपरिचित व्यक्ति का सलाह आपके लिए गलत हो सकता है। दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, आपके विपरीत परिस्थितियों में पूरे परिवार तथा जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और यश में जिससे आप आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद और सुने आपको मिलेगा, जिससे घर का माहौल यश में खुशनुमा रहेगा। परंतु दोस्तों विशेषकर महिलाओं को विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा दोस्तों बदनामी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पार्टनर और आपके बीच में कोई गलतफहमी भी बढ़ सकती है। दोस्तों आपके मुश्किल समय में जीवन साथी तथा परिवार का पूर्ण सहयोग रहेगा, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चल रही समस्या अब सुधार देखने को उनमें मिलेगा। दोस्तों परंतु अपनी लापरवाही ना बरतें और वर्तमान नियमों का अनुसरण करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, यश में कोई पुराना रोग आपको कष्ट दे सकता है, लापरवाही ना बरतें और डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, ये आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लेकर जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक होगा। पेट दर्द, खांसी, जुकाम जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। यश में दोस्तों आप प्रकृति पर अधिक ध्यान दें और उनमें अपना समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होगी। वही दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 2।